बाकना घाट में सरकार ने 26 प्लॉटों का एक इंडस्ट्रियल एरिया काटा हुआ है। हमारी सरकार से आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हम लोगों की तरफ ध्यान दें। हम ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आ चुके हैं आपके पास, जो ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने दो दो चार चार पाँच पाँच करोड़ रुपया ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्ट कर दिया है, पर आज की डेट में भी हमारे पास बिजली, पानी, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं इस इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है। ये है, पुराने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको टेक इट ग्रंटेड लिया जा रहा है कि भी ये तो है हमारे पास, इनको पूछने की शायद उनको कोई जरूरत लगती नहीं है। ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, अनदेखी नहीं हुई। वही मैंने आपको कहा कि माननीय ठाकुर जयराम जी स्वयं भी जो है अभी क्यारी घाट, जो वाकना घाट का एरिया है, वही एरिया जो है उसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हुआ है, वहाँ स्वयं उन्होंने दो बार विजिट किया है और उस पर जो है वो कार्य हो रहा है। वहाँ पे बिजली और पानी की जो समस्या या जो उसमें जिस तरह से जो है प्लॉट कटे हैं उसके हिसाब से वहाँ पे जो है सड़क वगैरह जो है बननी अभी शुरू होनी है, लेकिन अभी यूनिटी बड़े कम आए हैं, लोगों का जो असाइनमेंट ही बहुत कम हुआ है वहाँ पे, कोई इस तरह का कोई अभी MOU नहीं गवर्नमेंट के साथ हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल जो छोटे इंडस्ट्रियल एरिया है वो रहेंगे, वो टारगेट पे हैं। अभी देखते हैं धर्मशाला में और भी कुछ लोग वहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड है।